तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रश्न और आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग खेलने वाले हैं इन्फिनिट लेजेंड्स। जी हाँ दोस्तों, यानी मैं ये गेम को आज आप लोगों को खेल के बताऊंगा और ये गेम जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये एक पोकेमोन का गेम है और आप लोग इसका ग्राफिक्स, अगर आप लोगों ने इस गेम को खेला होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये गेम कितना ज़्यादा कमाल का है। तो मैं आप लोगों को अभी पूरा गेम प्ले दिखा देता हूँ। चलो आप लोग गेम प्ले देखते हैं कि गेम कैसा होने वाला है, गेम में कैसे कैसे आप लोगों को मोड्स मिलेंगे सभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे अभी कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहां पे लड़का को लेना होगा तो मैं यहां पे लड़का को लेता हूं। यहां पे देखो आप जो इसमें कैरेक्टर कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है तो मैं कैरेक्टर यहां पे हैट वगैरह यहां पे चूज करता हूं, देखता हूं कौन सा यहां पे मुझे अच्छा लगा। तो फिलहाल मुझे ये भी पसंद है पर मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके साथ मतलब खेलने में मज़ा आता है और ये पैंट बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है। ये सभी पैंट अच्छे हैं पर मैं ब्लैक, हाँ ये पैंट थोड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें अब मैं ड्रेस वगैरह को चेंज करता हूँ और ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है पर इसमें से काफ़ी सारे ड्रेस मुझे कस्टमाइज़ करने के लिए मिलते हैं पर ये ब्लैक के साथ येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो लेकिन भाई रेड, भाई ये कुछ अलग ही लग रहा है, अलग ही लेवल का मतलब लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। और यहाँ पर रेड शू और यहाँ पे बस यहाँ पे बैग, ये अच्छा लग रहा है ब्लैक, ठीक है। और देखता हूँ और क्या क्या है यहाँ पे। चलो ये और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे मैं फ़िलहाल डन पे का भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे नेम इनपुट करने के लिए बोल रहा है। तो मेरा नाम है प्रश्न, तो यहाँ पे मैं प्रश्न लिख कर देता हूँ, प्रश्न एन जो मेरे चैनल है उसका नाम है। और यहाँ पे अब देखो मेरा गेम फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग ग्राफिक देख सकते हो कितना बढ़िया है। और यहाँ पे कुछ करने के लिए बोल रहा है, अभी ऑटो स्टार्ट हो रहा है, मेन एडवेंचर स्टार्ट। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स है, सुजीत लगता है, ये गेम मल्टीप्लेयर है आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे देखो मेरा 2 लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब मैं फिलहाल चलता हूँ बाहर और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या देखने के लिए मुझे मिलेगा। यहाँ पे मुझे एडवेंचर कंप्लीट करने बोल रहा है तो शायद मैं अभी टाउन से बाहर आ जाऊँगा। भाई गेम का जो एनिमेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा औसम है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया फिलहाल। अभी आप लोग भी भाई इस गेम को ट्राई करना, काफ़ी बढ़िया गेम है। और यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या करने बोल रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है, आर यू न्यू हियर, आई एम कैसी, नाइस टू मीट यू, येस दिस इज़ फॉर यू माइट, जो भी है। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ अभी। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे तो लेवल इतनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। ओ भाई गेम काफ़ी ज़्यादा कमाल का। और मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे ग्राफिक्स वगैरह अगर सेट करने के लिए अगर बोलता है तो मैं वो भी सेट करूँगा अभी। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मेन द गिफ्ट फॉर्म, पहले मुझे यहाँ पे सेटिंग करना होगा। हाँ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रश्न एन आर यू न्यू हियर, आई एम द मेयर ऑफ पायलट टाउन। तो ये पायलट टाउन का मेयर है, ठीक है। तो यू कम जस्ट इन टाइम प्रोसेस, ये प्रोफेसर ओके ऑल्सो जस्ट, जो भी है यहाँ पे अभी मैं कर देता हूँ और देखता हूँ। यहाँ पे 4 लेवल मेरा हो गया, वाह इतनी जल्दी। और यहाँ पे देखता हूँ प्रोफेसर, हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे वर्ल्ड चैट का भी ऑप्शन है तो यहाँ पे सब लोग वर्ल्ड चैट में अभी बिजी होंगे। यहाँ पे देखो वर्ल्ड चैट में सब बिजी हैं। यहाँ पे यहाँ पे मुझे पोकेमोन चूज़ करने बोल रहा है, तो चूज़ योर पोकेमोन, ग्रास, फायर, वाटर। तो आई लाइक फायर तो आई चूज़ फायर पोकेमोन। और यहाँ पे मेगा चार्लिज़ार्ड भी है दोस्तों, लेकिन अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा है। और ये गेम मैंने पहले भी खेला था और इसमें मुझे 8 जनरेशन तक के सभी पोकेमोन्स जो है, सभी पोकेमोन्स यहाँ पे मुझे मिल गए थे और आप लोग को भी मिल जाएंगे इस गेम के। तो आप लोग पूरा लेवल वगैरह को कंप्लीट कर सकते हो और ये गेम प्ले स्टोर में अवेलेबल है तो आप लोगों को खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे दिखा रहा मेन एनकाउंटर पोकेमोन, तो अभी मुझे पोकेमोन से बैटल करने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। तो चलिए अभी पोकेमोन से बैटल मुझे करना है तो मैं अभी जाऊँगा, देखता हूँ कि मुझे कोई पोकेमोन से यहाँ पे मिलता है कि नहीं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एनकाउंटर पोकेमोन इन ग्रास एंड लर्न हाउ टू फाइट। तो यहाँ पे मुझे फाइट वगैरह यहाँ पे अभी मुझे सीखने बोल रहा है, तो मुझे अभी ग्रास में पोकेमोन को खोजना होगा। और यहाँ पे देखता हूँ कि क्या बताता है लोग। और यहाँ पे मुझे कोई अभी तक जॉयस्टिक नहीं मिली है फिलहाल, मुझे पता है कि आगे जाके मुझे मिल जाएगा। ओ मिल गया मुझे जॉयस्टिक। और यहाँ पे देखो ये नया पोकेमोन कौन आया है, ओ माई गॉड रैटेटा। तो रैटेटा काफ़ी ज़्यादा छोटा पोकेमोन है, इसे तो मैं भाई फायर से, अभी मेरा शायद एम्बर या फिर फायर कोई भी अटैक मेरा नहीं है तो मैं अभी स्क्रैच ही मारता हूँ इसे। चलो स्क्रैच मार दिया, ओ भाई एक ही अटैक में ख़त्म, ओ भाई ओ भाई। चलो बहुत ही मज़ा आया मुझे ये सीखने में, बट मैं पहले से ही सीखा हुआ था। अब देखता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर में क्या बता रहा है। यहाँ पे मुझे मूव से वगैरह सेट करने बोल रहा है एम्बर, ओ भाई मेरा एम्बर खुल गया लगता है। यहाँ पे पता नहीं मैं कट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, एम्बर 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 भाई यहाँ पे। चलो ये मेरा हो गया है एम्बर। अब इन्फो में पता नहीं क्या बोल रहा है, अपग्रेड करने बोल रहा है तो मैं अपग्रेड भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे
मेरा चार्मेंडर 8 लेवल का है और मैंने अपना लेवल भी अपग्रेड कर लिया है। तो फिर चलिए देखते हैं कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मुझे टास्क दिया गया है। पहले मैं देखता हूँ कि सेटिंग को अगर मैं बढ़ा सकता हूँ तो मैं उसे बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे सेटिंग भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक, यहाँ पे भाई ग्राफिक्स तो मेरा मतलब मिडिल है तो मैं हाई पे कर देता हूँ क्योंकि मुझे हाई ग्राफिक्स में खेलना ज़्यादा पसंद है। तो अभी फ़िलहाल मेरा डिवाइस भी अच्छा है, लेकिन भाई अगर आप लोग के पास अगर 2GB रैम है तो भाई आप लोग लो एंड डिवाइस में खेलना। मेरा डिवाइस अच्छा है इसलिए मैं भाई हाई ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ, पर मेरा थोड़ा सा भाई गेम मुझे लगता है थोड़ा लैग तो हो रहा है। अगर आप लोग को बताना कि आप लोग का ये गेम कौन से ग्राफिक्स में आप लोग चल रहा है तो यहाँ पे दिखाओ। मेन आई वॉन्ट टू बी अ ट्रेनर, आस्क अबाउट द ट्रायल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, यहाँ पे मेरा मैसेज आ गया YouTube का कि कुछ नोटिफिकेशन है। चलो मैं हट से हटा देता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ। ओ भाई यहाँ पे फिर से मुझे फाइट करना मिलेगा। ओ भाई यहाँ पे आप देखते हैं कौन सा। ओ भाई बल्बसौर, अरे भाई आप लोगों को अगर पता हो कि भाई बल्बसौर मतलब फायर टाइप पोकेमोन्स के आगे वीक है, तो सबसे पहले मैं इसे एम्बर ही मारता हूँ। एक अटैक में ये उड़ जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये मतलब फायर टाइप पोकेमोन मतलब ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं ग्रास टाइप पोकेमोन से, तो ये एक अटैक में उड़ गया। फ्रेंड्स मैंने लेवल तो कम्प्लीट कर लिया, अब देखता हूँ कि आगे कौन सा टास्क है। आई वॉन्ट बी अ ट्रेनर, आस्क अबाउट द ट्रायल। तो यहाँ पे आप क्या बता रहा है, यहाँ पे और किसी से मुझे फ़ाइट करना होगा शायद, तो मैं वो भी देख लेता हूँ कि मुझे किससे फ़ाइट करनी है। यहाँ पे मुझे आगे जाने बोल रहा है। मेन कैप्चर पोकेमोन, आई थिंक मुझे पोकेमोन को कैच करना होगा, तो मैं अभी पोकेमोन को कैच करने जा रहा हूँ और देखता हूँ कि मुझे कौन सा पोकेमोन यहाँ पे मिलता है। मुझे धीरे धीरे यहाँ पे मतलब ट्रायल सिखा रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ गेम में। तो यहाँ पे है पिकाचू, ओ माय गॉड, एस का सबसे फेवरेट पोकेमोन। और ये पिकाचू को मैं आज हराऊंगा, मुझे अभी स्क्रैच ही देना होगा, शायद ये एम्बर से पूरा मर जाए तो मैं इसे पकड़ भी नहीं पाऊंगा। तो ये क्या पाद मारा, पता नहीं भाई क्या हो गया। ओ भाई हाँ चलो 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 स्क्रैच, अब मैं इसे नहीं मारूंगा। अब मैं यहाँ पे फिर से मुझे स्क्रैच मारने बोल रहा है, देखता हूँ मार के। मरना मत भाई, बस मुझे आपको पकड़ना है, ठीक है। चलो अब इसे पकड़ना है मुझे। लेस HP, ओ भाई पॉकीबॉल। तो चलो पिकाचू, चलो मैं आपको पकड़ लिया, अब देखता हूँ कि आप पकड़ रहे हो कि नहीं। पकड़ जा, यस, अब मैंने पिकाचू को कैच कर लिया। और ये HP अटैक जो भी है भाई, मुझे पता है मैंने इससे पहले भाई मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी भाई मैंने 1.5 साल खेला था और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, पर उस ID को मैंने सेल कर दिया। तो चलो अब आगे देखता हूँ कि क्या उसमें होता है। अब ओ भाई मेरा लेवल भी अपग्रेड हो गया, डिफीट यंगस्टर जो भी है यहाँ पे। कंप्यूटर लेवल 5 अपग्रेड, चलो अपग्रेड कर दिया मैंने। यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है, टुगेदर या टीम जो भी है। मेन चैलेंज या ट्रेनर फर्स्ट, डिफीट यंगस्टर, मतलब यहाँ पे मुझे ट्रेनर को भाई चैलेंज वगैरह करना पड़ेगा। तो देखो ये पे ट्रेनर है, शायद मुझे यहाँ पे जिम लीडर भी आगे मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं ट्रेनर को चैलेंज कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मैं ट्रेनर को हरा पाता हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले ओ भाई ये कौन सा पोकेमोन है, अरे यहाँ पे मेरा बार बार YouTube का नोटिफिकेशन आ रहा है, मुझे YouTube का नोटिफिकेशन ब्लॉक करना होगा। और यहाँ पे मैंने स्पीड को 2x में स्पीड में कर लिया, 2x में। और अब देखता हूँ, सबसे पहले इसे एम्बर मारता हूँ। एम्बर से भाई फिर भी ये थोड़ा बच गया, मतलब ये स्ट्रांग पोकेमोन है। ओ भाई ये क्या था, ये कौन सा अटैक था भाई। तो ये पोकेमोन का नाम है स्पिंगल जो भी है भाई, मुझे तो भाई उतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा है पोकेमोन कौन सा है। चलो ये मर गया, अब देखता हूँ आगे कौन आता है। नहीं मेरा लेवल कम्प्लीट हो गया। वाह भाई गेम काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो भाई ट्राई तो कर ही सकते हो, काफ़ी मतलब अच्छा गेम है। और यहाँ पे मुझे दिखा रहा है चैलेंज ट्रेनर टू डिफीट स्कूल किड, मतलब यहाँ पे कोई स्कूल का किड होगा उसे मुझे यहाँ पे हराना होगा। तो देखता हूँ आगे, ये रहा स्कूल किड। तो चलो अब इसे भी अभी चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि इसे हम हरा पाते हैं कि नहीं। देखो सब, ओ भाई ये तो इसका नाम है भाई रेल्स जो भी है। यहाँ पे मैं इसे एम्बर मारता हूँ। ये भाई साइकिक टाइप पोकेमोन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पोकेमोन है, देखता हूँ। ओ भाई ये पहली बार में मर गया, वाह। चलो अब यहाँ पे देखता हूँ बेनिफिट में क्या बता रहा है। कंटिन्यू लॉगिन, यहाँ पे मुझे लॉगिन का रिवॉर्ड्स मुझे मिल रहा है, देखता हूँ। हाँ चलो लॉगिन का मुझे रिवॉर्ड मिल गया, अब मैं देखता हूँ। यहाँ पे रिचार्ज वगैरह का भी ऑप्शन है यहाँ पे। लकी स्पिन मैं नहीं करूँगा अभी क्योंकि थोड़ा मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लेम वगैरह कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मुझे आगे क्या क्या और मुझे देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुद्दे पर चलते हैं, फॉलो प्रोफेसर ओक। तो चलिए प्रोफेसर ओक को हम फॉलो करते हैं और देखते हैं प्रोफेसर ओक हमें क्या बताते हैं। दिस इज़ पोकेमोन सेंटर एंड असाइलम प्लेस टू गो वाइल्ड ट्रैवलिंग, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे गैचापोन मेरा खुल गया है। और अगर आप लोगों को गैचापोन के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोगों को गैचापोन के बारे में बता दूं कि गैचापोन में आप लोगों को लेजेंडरी पोकेमोन्स मिलते हैं और काफ़ी सारे मतलब मस्त मस्त आप लोगों को आइटम मिल जाते हैं। आप लोगों को कुछ भी मिल सकता है गैचापोन में। अगर आप लोग लेजेंडरी पोकेमोन्स के फैन हो तो आप लोग गैचापोन से लेजेंडरी पोकेमोन्स भी आप लोग ले सकते हो। और यहाँ देखो मुझे स्क्वाटल मिल गया है, मतलब मेरे पास अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक टाइप भी पोकेमोन है, फायर टाइप पोकेमोन भी है और मेरे पास अभी वाटर टाइप भी पोकेमोन है। तो चलो आगे देखते हैं क्या करना है। सिस्टर जॉय टॉक टू जॉय, तो देखता हूँ यहाँ पे मुझे और क्या करने बोल रहा है जॉय। सो वेलकम टू द पोकेमोन सेंटर, इज योर पोकेमोन हर्ट, लेट अस हैव सम ट्रीटमेंट फॉर यू। ओ तो मेरा पोकेमोन, अगर मतलब मेरा पोकेमोन को मैं मतलब यहाँ पे अपग्रेड वगैरह कर सकता हूँ, मतलब उसके हेल्थ को थोड़ा सुधार सकता हूँ क्योंकि मेरा पोकेमोन भाई लड़के काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक हो चुका है। तो अभी मैंने सुधार लिया, अब चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आगे मुझे मेन रेडी फॉर पैलेट ट्रायल। तो चलिए अभी देखते हैं पैलेट ट्रायल में मुझे क्या देखने के लिए मिलता है। और आयो जो भी यहाँ पे दिखा रहा है मैं आगे बढ़ाता हूँ इसे। प्रश्न एंड डीडियो प्रोफेसर हो कि यहाँ पे मुझे बैज वगैरह कुछ शायद मिल गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से मेरा बैटल स्टार्ट होने वाला है और फिर से मेरा बैटल स्टार्ट होने वाला है। अब देखता हूँ कि आओ भाई फिर से बल्बसौर। चलो बल्बसौर चार्मेलियन आई मीन चार्मेंडर फायर अटैक और चार्मेंडर मतलब बल्बसौर खत्म। मतलब भाई एक ही अटैक में। ओ भाई लुकारियो का छोटा वाला रूप। ओ भाई इससे एम्बर, भाई ये फाइटिंग टाइप पोकेमोन है तो इससे भाई मैं एक ही अटैक में शायद मार सकता हूँ क्योंकि भाई फाइटिंग फायर टाइप फाइटिंग टाइप से ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। तो देखता हूँ एम्बर में जाता है कि नहीं। नहीं बच गया। ओ भाई ओ शायद ये लेवल 7 का है इसीलिए। चलो इससे पहले स्क्रैच मार के हराता हूँ, देखता हूँ कि स्क्रैच में जाता है कि नहीं। तो नहीं अभी भी थोड़ा बच गया ये। तो चलो अब इसे लास्ट में एम्बर ही मारते हैं, एम्बर में ये हार जाएगा। और फिलहाल मैंने इसे भी हरा दिया, अब देखता हूँ और कोई पोकेमोन। नहीं 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 अब कोई और पोकेमोन नहीं आया है और मेरा लेवल अभी कंप्लीट होने वाला है। और देखता हूँ पैलेट टाइम में अभी और किसी को चैलेंज करने शायद मुझे बोल रहा है। तो चलो यहाँ पे सोशल यहाँ पे मेरा कुछ खुला है तो देखता हूँ क्या ये खुला है। स्केप भाई, ओ भाई यहाँ पे मेरा फ्रेंड का ऑप्शन खुल गया है। मतलब आपके मतलब थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स को भी आप लोग चैलेंज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे मैं सभी को यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। इनवाइट का भी ऑप्शन यहाँ पे है, देखो सबको इनवाइट आप लोग कर सकते हो। और आप लोगों को अगर कोई अब्यूज़ करता है तो आप लोग उसे ब्लैकलिस्ट में भी डाल सकते हो। तो काफ़ी फनी गेम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन का गेम है। आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करना कि आप लोग को कौन सा पोकेमोन का गेम चाहिए। बाय द वे अगर आप लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर यहाँ पे देखते हैं मिस्टीरियस पोकेमोन, यहाँ पे कौन सा मिस्टीरियस पोकेमोन की बात हो रही है मुझे तो पता नहीं। चलो हम लोग फाइंड करते हैं मिस्टीरियस बेरी। चलो देखते हैं यहाँ पे अभी ये दूसरा जगह जा रहा है मिस्टीरियस बेरी। चलो भाई मुझे अभी यहाँ पे मैंने जब मतलब ये गेम खेला था 2 मंथ्स पहले जब मैंने इस गेम का आप लोगों को रिव्यू दिया था उस टाइम भाई इसमें मैं बहुत आगे तक गया था। शायद मेरा 20-25 लेवल था तो उस टाइम मुझे मतलब मेगा एवोल्यूशंस भी मिले थे, मतलब जैसे 40-60 का मेगा एवोल्यूशन मुझे दिखे थे और 8th जनरेशन तक के भी पोकेमोन का मुझे ऑप्शन खुल गया था। तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोग का लेवल अनलॉक होते जाएगा। तो आप लोग वो सब चेक कर लेना खुद ही। ओ भाई साइडक, लेकिन मैं यहाँ पे चार्मेंडर को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि भाई मतलब वाटर टाइप पोकेमोन के आगे फायर टाइप पोकेमोन वीक पड़ जाता है। तो देखता हूँ यहाँ पे क्या बता रहा है। टैप टू अनलॉक ऑटो, नहीं यहाँ पे ऑटो दिखा रहा है लेकिन मैं ऑटो पे नहीं करूँगा। ये क्या हो रहा है भाई, इसने कुछ साइकिक अटैक किया है लेकिन मैं यहाँ पे ऑटो से हटा देता हूँ। ऑटो से हट भी नहीं रहा, देखता हूँ। हाँ तो इसे मैं अभी पिकाचू को लेता हूँ क्योंकि भाई वाटर टाइप के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक टाइप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलो पिकाचू को ले लेते हैं। तो हमारा पिकाचू आ चुका है और देखते हैं ये क्या कर रहा। फिर से इसने फार्टिंग किया। अब देखता हूँ थंडर शॉक मारता हूँ इसे, इसका फार्टिंग बंद कराता हूँ। तो गया देखा। अब देखते हैं किसे ये बुलाता। नहीं गेम कंप्लीट हो गया, मतलब ज़्यादा पोकेमोन यहाँ पे मतलब अभी एक लेवल पे अभी छोटे मोटे लेवल है इसलिए यहाँ पे एक दो पोकेमोन ही आ रहे हैं। ठीक है अभी चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा पोकेमोन आता है। फिलहाल प्रोफेसर ओक मुझे क्या बता रहे हैं, प्रसन्न एंड ड्यून जो भी यहाँ पे मुझे बता रहे हैं देखता हूँ। कंप्यूटर में मुझे कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे मैं सबका पोकेमोन अपग्रेड कर सकता हूँ और देखते हैं आगे मुझे क्या मिलता है। तो फिर चलिए टीम एक्वा जो भी है यहाँ पे, चलो भाई इसके साथ हम फाइट कर रहे हैं अभी और इसे हम हराएंगे। आप सभी को पता है कि मैं भाई इसे हरा के रहूँगा। ओ भाई फिर से भाई वही भाई वाटर टाइप पोकेमोन। और आप लोग सभी को पता है कि वाटर टाइप पोकेमोन ज़्यादा स्ट्रांग है फायर टाइप से। तो चलिए पिकाचू को ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग थंडर शॉक। ओ भाई यहाँ पे वेदर भी चेंज हो गया है, मतलब इसका वेदर चेंज करने का भी एबिलिटी है। चलो थंडर शॉक पिकाचू। ये क्या हो गया, पिकाचू थंडर शॉक मारा और ये हॉर्सिया खल्लास।
मतलब कुछ भी भाई, मतलब खत्म हो गया। नहीं भाई, ओ भाई आप लोग जरा आप लोग देखा, हॉर्सिया का बस एक HP बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से थंडर शॉक मारूंगा और इसी एक खत्म देखा। चलो अब मेरा लेवल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मुझे और थोड़ा आगे चलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या मिलता है। ओ भाई स्कूल बॉय, सो लेट्स डू इट। एंड फिर से स्कूल बॉय के साथ मेरा फाइट होने वाला है और यहाँ पे उसने फायर टाइप पोकेमोन को ही भेजा। अब देखता हूँ, नहीं ये फायर टाइप पोकेमोन है, देख पहले चेक कर लेता हूँ, मुझे भी इसके बारे में सही से पता नहीं, पर मुझे जहाँ तक लगता है ये ग्राउंड और फायर का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसे एम्बर मारते हैं। ओ भाई ये तो ये हिप्पो भाई क्या कर रहा है, हिप्पोपोटास भाई। अरे भाई इसके तो नाके में मैंने मारा, ये भी मर गया। अब देखता हूँ, चलो मेरा लेवल कंप्लीट हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पजल सॉल्व करने मुझे बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे पजल सॉल्व कर लेता हूँ और देखता हूँ कि टॉक टू द मेयर, मतलब यहाँ पे मुझे मेयर से बात करना है। फिर चलिए अभी हम लोग मेयर से बात करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। रैंक अप करने बोल रहा है, एबिलिटी इक्विप्ड, सो लेट्स डू इट। एंड रैंक अप, चलो रैंक हमारा अपग्रेड हो चुका है, अब यहाँ पे हमें बैक आना है और यहाँ पे अभी पैलेट टाउन की मुझे जाना, नहीं पैलेट डेवर्ट जो भी है यहाँ पे, देखता हूँ अभी इससे मुझे चैलेंज किया है, तो चलिए इसे मैंने अभी हराना है। और ये पता नहीं मुझे कौन सा टाइप का पोकेमोन है फिलहाल, इसे हम एम्बर मारते हैं। एम्बर इसके सामने स्ट्रांग बता रहा है, लेकिन भाई ये एम्बर से मरा नहीं है, क्या हो गया भाई, ये तो भाई ब्रेक डांस कर रहा है, वाह 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 वाह। चलो भाई मर जाओ ओ भाई। और इसका भी 11 HP बच चुका है, तो चलिए चार्मेंडर, चलो अब स्क्रैच अटैक। और चार्मेंडर ने स्क्रैच अटैक किया और यहाँ पे ये पोकेमोन खल्लास, तो चलिए और चार्मेंडर का लेवल भी बढ़ गया। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने इन्फिनिट लेजेंड्स को अभी खेल लिया है, और आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सा पोकेमोन इस गेम के सबसे ज़्यादा बेटर लगता है। और मैं अभी लेवल को आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि मुझे आगे क्या देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और मुझे, मैं थोड़ा सा और रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को, मैं अभी नेक्स्ट गेम की तरफ जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये कौन सा पोकेमोन है। ओ भाई सुप्रेस कैरेक्टर, ओ भाई वॉलपिक्स, वॉलपिक्स काफ़ी ज़्यादा मेरा फेवरेट है। और जब ये नाइनटेल्स में, मतलब जब ये इन्वॉल्व होता है तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये सुंदर लगता है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। और वॉलपिक्स को डैमेज काफ़ी ज़्यादा पड़ा, ओ भाई वॉलपिक्स ने भी मुझे डैमेज दे दिया, तो चलिए अब वॉलपिक्स को फिर से मारते हैं एम्बर। चलो वॉलपिक्स ख़त्म, मतलब वॉलपिक्स को मैंने एक ही शॉट, मतलब दो शॉट लगा मुझे हराने के लिए, बट वॉलपिक्स मतलब ख़त्म हो गया। और यहाँ पे मेरा लेवल भी बढ़ गया है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या मिलता है। यहाँ पे फैशन का ऑप्शन है, यहाँ पे फैशन में हम क्लॉथ्स में देखते हैं यहाँ पे कुछ और है कि नहीं। वो भाई इसमें मतलब यहाँ पे घड़ी वगैरह भी है, और यहाँ पे साइकिल तो अभी अनलॉक नहीं हुआ है, पर यहाँ पे साइकिल वगैरह भी आप लोग चूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट, हमारा जो चैलेंज है वो क्या होने वाला है। तो पैलेट टाउन डेब्यूट टू कॉन्सल्ट, ये कॉन्सल्ट द रेंजर, तो फिलहाल ये इससे हमें कुछ बात वगैरह करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पे EP मिल चुका है और देखते हैं आगे क्या करना पड़ेगा। बॉस एंड शायद इससे मुझे बैटल करना है और ये यहाँ का बॉस है। ओ भाई ये तो मुझे काफी डरावना लग रहा है। ओ भाई ग्रावलेट, अरे भाई मेरा इतना सारा, मेरा बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मैं अभी नेक्स्ट गेम से मैं मतलब अपना जो यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है उसे बंद कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही है। और ये क्या भाई, ओ भाई ग्रावलेट, ओ भाई ग्रावलेट, ये क्या भाई, इसने तो मुझे एक ही अटैक में मुझे धूल चटा दिया भाई। चलो, ओ भाई पिकाचो, चलो ग्रावलेट गया, अब कोई हार्ड पोकेमोन नहीं, अभी कोई नहीं आया। और चलो यहाँ पे देखते हैं और आगे क्या है। और यहाँ पे भाई क्वेस्ट है, यहाँ पे हम लोग क्वेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे मुझे रिवॉर्ड्स मिले हैं, तो मैं उसे क्लेम कर लेता हूँ। और यहाँ पे ओ भाई मेरा लेवल बढ़ गया, ओ भाई। और देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे यहाँ पे क्वेस्ट सब मिले हैं, और ये गेम पेड भी है, लेकिन भाई आप लोग यहाँ पे बिना टॉपअप वगैरह करके एक भाई गेम को खेल सकते हो, काफ़ी बढ़िया गेम है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी गेम को खेलने में, आप लोगों का गेम 2GB वाले रैम में भी इजिली वर्क कर जाएगा। ठीक है, और आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे कॉमेंट कर रहे थे कि भाई मतलब मेरे जो प्रेशन एंड चैनल है उसमें मुझे कॉमेंट कर रहे थे भाई ऐसा गेम बताओ जो मतलब काफ़ी मल्टीप्लेयर भी हो, ग्राफिक्स भी अच्छे हो, और ये नया गेम है, आप लोग इसे जरूर ट्राई करना भाई, काफ़ी बढ़िया गेम है। और देखो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पोकेमोन्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो Gen 1 के सारे पोकेमोन्स हैं, यहाँ पे देखो चार्मेंडर है, चारिजार्ड है, और यहाँ पे आप लोगों को चारिजार्ड का मेगा एवोल्यूशंस भी देखने के लिए मिल जाएगा। देखो चारिजार्ड आपका X भी है और चारिजार्ड Y भी है। ठीक है,
देखो यहाँ पे चारिजार्ड वाई भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं देखता हूँ स्क्वाटल, फिर वॉटॉटल, ब्लास्टोइज, और ब्लास्टोइज का भी यहाँ पे मेगा एवोल्यूशंस है। तो फिर देखते हैं काफ़ी सारा यहाँ पे पिजियोटो, पिजियोट का भी यहाँ पे आप लोगों को मेगा एवोल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। और ये है मेगा एवोल्यूशन, और यहाँ पे पिजियोट कांटो रीजन का भी है यहाँ पे। तो देखते हैं और क्या है, आरबोक, आरबोक का तो भाई देखते हैं, आरबोक का मेगा एवोल्यूशन नहीं यहाँ पे, आरबोक तो मेगा कभी इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है। देखो यहाँ पे जनरेशन 8 तक के पोकेमॉन्स है, तो मैं यहाँ पे जनरेशन 8 में क्लिक करता हूँ, और देखो यहाँ पे मुझे क्या मिला, सिंड्रेंस, और इसका भी मेगा एवोल्यूशन है। देखो गाइस कितना कमाल का है, और यहाँ पे काफ़ी सारे पोकेमॉन्स है जो कि आप लोगों को मतलब जनरेशन 8 तक के मिलेंगे। और ये सब देखो, और इसका भी मेगा एवोल्यूशंस है भाई। ओ भाई देख रहे हो, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि भाई आप लोगों को ये सभी गेम्स कैसा लगा, और इसका भी मेगा एवोल्यूशंस है। अब चलो चलते हैं जनरेशन 7 में और देखते हैं कि क्या इसमें है, और जनरेशन 7 है। ओ भाई, और इसका भी मेगा एवोल्यूशन है भाई, मेगा एवोल्यूशन इसके थे क्या, आप लोग मुझे बताना तो कमेंट सेक्शन में। अब देखो इतने सारे पोकेमॉन्स है, जनरेशन 6 में चलते हैं, देखते हैं क्या है जनरेशन 6 में भाई। इसका ये भी काफ़ी कमाल का पोकेमॉन था, और यहाँ पे मुझे लुकारियो को देखना है, पर मुझे लुकारियो दिख रहा नहीं है। ओ भाई, ओ भाई यहाँ पे देखता हूँ इसका मेगा एवोल्यूशन है कि नहीं। ओ भाई देखो एस ग्रीन निंजा को काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मेगा एस ग्रीन निंजा भी है यहाँ पे। तो आप लोग अगर भाई ये गेम ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करना, काफ़ी बढ़िया गेम है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे अभी ऑफलाइन होना है क्योंकि मुझे मतलब जो प्रेशन एन वाले चैनल है उसका भी मुझे मतलब गेम प्ले रिकॉर्ड करना है। तो भाई चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में भाई कॉमेंट करना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।